जो रेंट का घर है वो क्यों है बोलो, क्यों है बोलो, क्यों है बोलो। बट आज इतना बेड लगता है, 3-4 घर हमने देखा, मतलब इतना रो रहे होंगे हम तो क्या रेंट पे वाले। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमेस लाइफ। होप यू आर डूइंग गुड गाइस। तो ऐसे ही सैटरडे को हम थोड़ा सा, मतलब ऐसे ही थोड़ा सा, जैसे मैं बोल रही थी लास्ट व्लॉग पे, मतलब हाउस हंटिंग करने आए हुए थे। बट आज इतना बेड लगता है, 3-4 घर हमने देखा। एक तो जो हमने देखा था वो पुराना वाला था, मुझे नहीं पता था वो, मतलब घर ऑलरेडी 4-5 साल का था। हाँ, सोसाइटी मतलब, मतलब वो घर भी बहुत ज्यादा पुराना है, मतलब फोटो पे ऐसा पूरा, मतलब क्या बोलूं, चमकीला नया नया दिख रहा था, बट रियल वगैरह कर दिए हैं। हाँ, घर पुराना ही है। हाँ, ऐसे ही तो, मतलब जो एक्चुअली सौम्या को क्या चाहिए, मतलब जो नया वाला घर हो, एक साल के अंदर और एक और दो मैक्सिमम टेनेंट रहने से भी चलेगा, तो उसमें हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। अगर ज्यादा टेनेंट रहेंगे तो क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली सब दरवाजा वगैरह सब कुछ लॉक वगैरह सब डैमेज होने लगता है। उसका किंग का किंग क्यों आवाज आ रहा था क्या, मतलब सबसे इंटरेस्टिंग बात बोलो, वो बात बोलो, मैं गाड़ी चलाता हूँ, आप बोलो। नहीं नहीं रुको, बात कर लेते हैं थोड़ा। उसके बाद ना और एक सोसाइटी पे हम आए हुए थे, ठीक है। तो वो वाला घर हमें पूरा नया दिखा, और जब हम आए भी, मतलब अभी वो सोसाइटी को 3-4 साल हो गया लोगों ने, मतलब शिफ्ट होते हुए, बट वो वाला रेंट अभी तक नया है। और सोचो जो रेंट का घर है वो क्यों है बोलो, क्यों है बोलो, क्यों है बोलो। मतलब वो सोसाइटी में लिटरली लोग इतना इरिटेटिंग है, बाहर में पूरा इतना बड़ा बड़ा बोर्ड से लगे, बीएम प्रेस्टिन बोल के एक सोसाइटी है जो गुंजूर एरिया में, जो भरतूर और गुंजूर एरिया में है, बीएम प्रेस्टिन, उसमें लिटरली वो लोग 2013 से पोजीशन, मतलब 2013 में देने के लिए बोले थे, फिर 2015 में, 13 पे स्टार्ट हुआ था। हाँ, 2015 में वो हैंडओवर करेगा बोल के बोले थे, बट 2015 में बोला था कि 6 मंथ में मैं कंप्लीट करके दे दूंगा, बट स्टिल इट्स लाइक 6 ईयर कंप्लीटेड, बट अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, ना जिम कंप्लीट हुआ है, ना क्लब हाउस कंप्लीट हुआ है, ना स्विमिंग पूल कंप्लीट हुआ है, गार्डनिंग हुआ है, ना पावर बैकअप का परफेक्टली है, कुछ भी। एक ही सिर्फ जो, मतलब वन टावर, फर्स्ट वाला टावर, वो उसके सामने ही हम लोग बात कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। कलरिंग ही हुआ है, बाकी टावर का कलरिंग तक नहीं हुआ है, मतलब यहाँ तो जो रहेगा वो मर जाएगा। और मतलब पता नहीं, मतलब लोग और कर भी क्या सकते हैं, लाइक, और मतलब यहाँ पर बात बोलूं, यहाँ पे जो भी ओनर भी है, जो खरीद है, वो तो किसी को बेच तो नहीं सकते, और खुद बैठ के रोज, मतलब इतना रो रहे होंगे हम तो क्या रेंट पे वाले। और ये क्या बोल रहे हैं पता है, पिंकू बोल रहे हैं, नहीं, मैं सीरियसली, मैं अभी भी वही बोल रहा हूँ, तुमको जो बोला था वही सीरियसली। अगर ये घर मेरे को 15,000, नहीं 15,000 भी नहीं, उससे कम भी अगर मिल जाएगा, लेकिन 14-13 हज़ार में, 15,000 में 2 BHK इस एरिया पे, मतलब मिल जाएगा बोल रहे, मिल जाएगा तो बोल रहे मैं यही पे रह लूंगा, 3 साल के बाद पैसे सेविंग करके मैं खुद का ही घर खरीद लूंगा। मतलब 15,000 के अंदर अगर घर मिल रहा है, मैं रेंट में रह रहा हूँ, मैं तो ओनर नहीं हूँ, और मेरे को वो पावर बैकअप के लिए इन्वर्टर दे रहा है, तो मेरे को क्या प्रॉब्लम है, मैं आराम से रह सकता हूँ, मेंटेनेंस के साथ मेरा 16-17 हज़ार भी आ जाएगा, लगभग 8,000 के आसपास सेव हो जाएगा। हाँ, आराम से, तो मैं आराम से, मतलब 3-4 साल तो यहाँ पर रुक के भाई मैं आराम से जाके और घर ले लूंगा, उसमें क्या है, सेविंग तो हो रहा है, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा है, मतलब ये लोग तो रो रहे होंगे, एक साल में 1 लाख सेव कर लेंगे। हाँ, और ये कोरोना के चक्कर में भी तो और भी रेंट कम हो रहा है, ठीक है, देखते हैं, अगर मेरे को मिल जाएगा तो 15,000 के अंदर तो मैं यहीं पर मूव हो जाऊंगा। मैं इसके बारे में इतना बुरा बोला हूँ, लेकिन 15,000 में मिलेगा तो मैं शिफ्ट हो जाऊंगा, और इन्वर्टर के साथ, अगर ओनर मेरे को इन्वर्टर देने के लिए रेडी है, और अच्छा इंटीरियर भी है, और हाँ हम लोग देखे भी, मतलब बालकनी भी बहुत अच्छा है, और व्यू भी बहुत अच्छा है। आप मैं घर देखे थे, पूरा सनसेट हो रहा था, मतलब वेस्ट फेसिंग एक बालकनी था और एक ईस्ट वाला था। हाँ, एक सीरियसली एक बात पूछूं आपको, अगर इसमें सब कुछ रेडी होता अपार्टमेंट की तरफ से, ये घर में तुम रहते कि नहीं रहते? ऑफ कोर्स अपार्टमेंट की तरफ से रेडी होता तो मैं रहती, क्योंकि घर बहुत अच्छा है, इंटीरियर भी बहुत अच्छा हुआ है। मैं उसका वीडियो डालूंगी, उसका एक्चुअली मास्टर बेडरूम हमने देखे हैं, उसका वीडियो बनाया हो गया, थोड़ा सा मैंने जस्ट क्लिप लिया था, बट मतलब करंट नहीं था, ड्यू टू की कोई नहीं है तो नीचे से ऑन करना पड़ता, मतलब वहां से तो नहीं था, और मतलब जो मास्टर बेडरूम है वो की लॉक ही था, और साथ ही में जो बालकनी है ना, मतलब तीनों ही वैसा जैसा हमारे घर पे एक यूटिलिटी है जो कि पूरा ओपन है, देन नेक्स्ट बेडरूम के साथ एक मास्टर बेडरूम है अटैच्ड, एक बालकनी है, और एक मतलब ड्राइंग कम डाइनिंग के साथ ही अटैच्ड है, बट वो स्क्वायर वाला बालकनी है पूरा, मतलब उसका व्यू तो अलग मस्त लग रहा था, मतलब पूरा सनसेट पूरा दिख रहा था जैसा कि हमारा है वैसा ही। और अभी हम लोग इतना इरिटेटिंग हो गए तो हम लोग सोचे कि मतलब घर देख रहा तो कुछ नहीं हुआ, चलो हम लोग थोड़ा पेट पूजा करते हैं, थोड़ा बहुत दिन के बाद बाहर आए हैं, तो जगन्नाथ टेम्पल जो बैंगलोर में जो है आगरा में, तो हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं, थोड़ा हमारा ओडिया स्टाइल में 56 भोग में समोसा, आलू चॉप, बड़ा कोई पेट पूजा तो हो जाए ना, कोई काम दूजा हो या ना हो, पेट पूजा तो हो जाना चाहिए। चलो फिर मिलते हैं।
और जब तक हम पहुंचते हैं गाइस, तब तक आप ये वाला घर देख लो, जो कि मैं बोली ना कि थोड़ा सा मतलब पूरा मतलब चकाचौन लग रहा था, बट जाने के बाद पता चला कि वो 5 साल की पुराना ही घर है। पर ये हम बेसिकली इसीलिए देखने के लिए आए हुए थे क्योंकि पिंकू के ऑफिस से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक था। ये भरतूर पे ही था, ऑलमोस्ट ये 5.5 किलोमीटर ही था उनके ऑफिस से एग्जैक्टली। और उन्होंने बोला था कि उनका काम भी चल रहा है यहाँ पे टीवी यूनिट का अभी, और ये अच्छे तरह से वो बनाने वाले हैं, तो इसीलिए हमें लगा कि ये नया ही घर होगा शायद। तो फिर जाने के बाद ही पता चला पुराना घर था, बट घर काफ़ी अच्छा था। बट एक दो डिमेरिट था, वो जो दरवाज़ा वगैरह ना उसका, जितना भी UPVC वगैरह था वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका था। एंड ऑफ कोर्स आपको सब कुछ कोई चेंज करके नहीं देगा, और जब घर 4-5 साल पुरानी होती है ना, उसकी बाथरूम से आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि घर पुराना है। ऑल्दो बाकी सब कुछ मतलब कलर होने के बाद कुछ नहीं पता चलता है। और इसका भी जो मतलब व्यू था काफ़ी अच्छा था, ग्रीनरी था, पर मतलब किचन पे उतना ज़्यादा ऊपर कैबिनेट्स नहीं था, और किचन का जो काउंटर टॉप था ना वो थोड़ा ज़्यादा हाइट पे ही था, तो जो कि मेरे लिए परफेक्ट नहीं था। बस पर घर आप ये देख लो ऐसा ही था, किचन पे मतलब एक यूटिलिटी था, अटैच था, जहाज मतलब सब जगह पूरा खोला खोला ही था, अच्छा लग रहा था। बट वही ना मतलब इतना पुराना घर था, बाकी सब कुछ बनना देखो आप यहाँ से पूरा जो रोड है वो दिख रहा था। इसी रोड पे पिंकू जो है बेसिकली ऑफिस भी जाने वाले थे, मतलब जाने वाले हैं, यहाँ पे भी रहे, हम कहीं पे भी रहे, तो उसी हिसाब से बहुत ही बढ़िया था। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे थी उसकी वाला जो कमन वाला वॉशरूम, साथ पे वॉशिंग जो एरिया होता है, और ये राइट हैंड साइड पे था उसका जो सेकेंड वाला बेडरूम। पर इस घर पे ना मतलब कंपेयर कर सकते हो आप, लाइटिंग की काफ़ी ज़्यादा कमी थी, मतलब इतना अच्छे से लाइट नहीं आ रहा था जितना हमारे घर पे वहाँ पे आता है। ड्यू टू मे बी दिस कलर थोड़ा सा डार्क कलर था तो, या फिर कुछ मतलब पता नहीं, बट हाँ वो मुझे और एक चीज़ लगा कि लाइटिंग की थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, इतना अच्छे से लाइट नहीं आ रहा था। और आगे यहाँ पे राइट हैंड साइड पे यहाँ पे उसका जो मास्टर बेडरूम था, तो उसके साथ भी एज इट इज़ एक बालकनी अटैच था और वॉशरूम भी अटैच ही था, पर ठीक ठाक था। पर वही उसका डोर वगैरह जैसे कि मैंने बोला ना, उतना अच्छा कंडीशन पे नहीं था। और बाथरूम देख के पता चला था कि ये घर पुराना है, तो बाथरूम को मैं इतना नहीं दिखा रही हूँ। पर उसकी जो मतलब बालकनी का व्यू है हर जगह से ही अच्छा था। ये बैक एंड साइड का था, मतलब अपार्टमेंट का पीछे साइड का व्यू था, तो बस ओवरऑल यही था। तो बस गई, चलिए अभी चलते हैं हम लोग, मतलब वहां पहुंच के मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ। और गाइस ये देखो आप लोग, सरजापुर है ना ये पिंकू, सरजापुर ना, ये आगरा बोल सकते हो। ओके क्या ट्रैफिक है, क्या खतरनाक ट्रैफिक है भगवान, मतलब हर एक लेन पे मतलब ट्रैफिक पूरा भरा पड़ा है, यहाँ पे वहाँ पे वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, आज बहुत ही रश है बहुत ज्यादा। ये रहा हमारा जगन्नाथ मंदिर, यस ये सभी को के बाद बहुत दिन के बाद आए हैं, ये तो बैंगलोर पे जो जो होंगे सभी को पता ही होगा, ऑलमोस्ट जितने भी ओडिया लोग होंगे स्पेशली। जय जगन्नाथ, भगवान बोलेंगे कि ये लोग तो मुझसे मिलने तो कभी नहीं आते, खाने के लिए चले आते हैं यहीं पे। नहीं मिलने के लिए आए ना, हम लास्ट जो कार पूजा करने आए थे यहीं पे, और कब आए फिर, कार बस जब पूजा था तब आए थे। पर अभी भीड़ हो रहा है यहाँ मंदिर में, भीड़ हो रहा है काफी, तो खुल गया ना पूरा। हाँ पर अभी देखते हैं हम जिस काम के लिए आए, हाँ वो खोला है ना शॉप, खोला है ना छप्पन भोग। हाँ ओ फाइनली इतना मेहनत के बाद यहाँ पे पहुंचे, अभी नहीं मिला ना समोसा स्पेशली। हाँ पूरा भीड़ भी है, हाँ ये वाला गली में रख लो ना। अरे अरे अरे, तो फाइनली हम लोग पहुंच गए। और एक चीज़ गाइस, जितने भी लोग बैंगलोर पे रहते हो ना, तो आप कमेंट करना कि कौन कौन यहाँ पे ऑलरेडी पहले आए हुए हो। आई नो जितने भी ओडिया लोग होंगे वो तो आए ही होंगे कभी ना कभी। तो बस चलिए, और यहाँ पे ना आज इतना ज़्यादा रश था, तो हम खाना जो है मतलब ऑर्डर करके लेके कार पे जाके वहीं खाने वाले हैं, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश है आज। और इनको देखो मतलब ला के हम कार पे, मतलब मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, मेरा खत्म, मेरा खत्म, इनका खत्म भगवान। और ना यहाँ पे एक्चुअली वो जो सब्जी मिलता है, मतलब आलू दम या घुगनी जो मटर का सब्जी, आज कुछ नहीं है, जब तक हम आए सब खत्म यहाँ पे भी। तो बस मैं बस दो समोसा और हम क्या क्या ले आए, ये है मेरा क्या रसमलाई, और पिंकू का ये हमारा ना
मालपुआ बोल के एक स्वीट होता है जो कि बहुत फेमस होता है, बोलना अगर किसी ने मतलब यहाँ से जो कि नॉनवोडिया हो और उन्हें खाया है तो आप लोग कमेंट करके बोलना, बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई भी नॉनवोडिया हो आप यहाँ पर आके चोपेनबर्ग में आके आप लोग टेस्ट कर सकते हो, बहुत अच्छा देते हैं ये लोग और विदाउट ऑनियन गार्लिक में ये लोग करते हैं, क्योंकि ये पूरा मतलब जो हमारा जगन्नाथ मंदिर जो है उसके ही पूरा पीछे है, बगल में पूरा साइड में पूरा बगल में, तो पूरा विदाउट ऑनियन और गार्लिक में ही होता है, तो विदाउट एनी डाउट में आप आराम से आके खा सकते हो। टेस्टी भी होता है बहुत ज्यादा। टिश्यू पेपर लाया था मैं, क्यों मैंने बहुत सारा लाया सौम्या का ये काम है, मतलब जब टिश्यू पेपर थोड़ा अच्छा से ले आता है क्योंकि कार में खाने में ये चाहिए ही चाहिए होता है, पर वहाँ पे ना इतना क्राउड, बहुत ज्यादा क्राउड था, नहीं खा सकते थे वहाँ पे, बट बहुत लोग यहाँ पर अंदर ही खा रहे हैं। राइट, मिला खाने को वो भी आधा मिला, थोड़ा सब्जी होता तो बहुत अच्छा लगता। एक्चुअली इसका सब्जी का ही सबसे बेस्ट है ना, जो आलू दम और ये घुगनी और मेरा ये मालपा खा लेता हूँ। और एक्चुअली अभी हम मतलब पिंकू ने, हम तो नहीं, पिंकू ने उनका एक फ्रेंड को फोन भी किया हुआ है, तो जो कि मैं कभी नहीं मिली उनके साथ, नहीं आपके आप कभी नहीं मिले हो, तो मतलब यही आसपास रहते हैं, बहुत दिन से हम लोग प्लान कर रहे थे मिलेंगे, वो आसपास नहीं है, ऐसे भी 10 किलोमीटर उनका भी घर है, मतलब 10 किलोमीटर इज आसपास इन बैंगलोर, तो वो बोल रहे थे कि पहले तुम आ जाओ मतलब घर में ही आ जाओ अगर आसपास है, मैं बोला तुम नहीं काम करो तुम जगन्नाथ टेम्पल के पास आ जाओ, तो यहीं पर ही मिल लेते हैं थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं ऐसे ही, मतलब टाइम पास करने के लिए और क्या है आजकल कोरोना सिचुएशन में, और क्या भी कर सकते हैं, वो भी घर बैठी बैठी बोरिंग हो रही होगी, मैं बोला अगर फ्री हो तो आ जाओ, तो अभी आ रही है तो उसके साथ मिलके हम लोग जाएंगे घर। हे गाइस, सो आज है ट्यूसडे, मतलब जो व्लॉग का जो जितना भी पहले वाला पार्ट आपने देखा वो था सैटरडे का, उसके बाद मैं थोड़ा सा बिजी रह गई थी जिसके चलते मैंने पोस्ट भी डाला हुआ था ड्यू टू बिजी शेड्यूल, मैं मतलब ना व्लॉग कंटिन्यू कर पा रही थी ना मैं कोई नया व्लॉग शूट कर पा रही थी, तो जिसके चलते 2 दिन व्लॉग नहीं आया हुआ था, तो मतलब कुछ मतलब काम चल रहा है जो कि मैं जल्दी रिवील करूंगी, और आई नो आप भी वो देखने के बाद ऑफ कोर्स आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, तो वही। और उस दिन ना सैटरडे को हमें लौटते लौटते काफ़ी लेट हो गया, वो पिंकू का जो हम बोल ही रहे थे उनके एक फ्रेंड आने वाले थे, तो वो लोग आए 8:30 को, फिर हम गप्पे लगाते लगाते वहीं पर ही 10:30 हो गया, फिर हमें घर आके पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया 11:30, तो उस चलते उस दिन भी और ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाए, और संडे को जैसे कि मैंने बोला हम बिजी रह गए, संडे मंडे में 2 दिन काफ़ी ज़्यादा ही बिजी थी, तो बस, तो आज है फाइनली ट्यूसडे, तो बस ये मतलब लेट सी मतलब इसके बाद भी आई गेस 1-2 दिन ऐसा हो सकता है कि व्लॉग में भी ना आए, अगर मैं मतलब कर पाऊंगी तो डेफिनेटली आएगा, अगर नहीं आएगा देन आप लोग जान जाना कि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, तो बस जो कि मैं पहले से अपडेट कर रही हूँ ताकि मतलब आप लोग को पता चल जाए, बट ज़्यादा नहीं, अगर नहीं आएगा वो भी 1-2 दिन के लिए होगा, उसके बाद एज इट इज़ व्लॉग आएगा, तो बस साथ ही साथ गाइस चलिए ये जो व्लॉग भी है मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि वैसा ज़्यादा तो कुछ था नहीं इस व्लॉग पे, और आज ना काफ़ी मतलब सुहाना सा मतलब पूरा क्लाउडी सा भी मतलब वेदर हो रखा है, लग रहा है कि बारिश होने वाला है, तो बस इसी मतलब इतने अच्छे मौसम के साथ जो है ये व्लॉग जो है एंड करती हूँ मैं, होप करती हूँ कि अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब अपने चैनल पर नए हो पहली बार विजिट करो देन मेक श्योर अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और हाँ आप लोग देख भी सकते हो कि मेरा गला बैठ गया है, थोड़ा सा मुझे सर्दी भी हो गया था, मतलब कल तो बिल्कुल मैं बात ही नहीं कर पा रही थी और क्या व्लॉग भी करूँ, तो आज थोड़ा सा मैं बेटर फील कर रही हूँ, तो मैंने बोला चलो जल्दी जल्दी जो है व्लॉग को एंड करके मतलब एटलीस्ट अपलोड तो कर लेती हूँ, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस, बाय।